नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में पद वृद्धि की मांग को लेकर पात्र अभ्यर्थी सरकार से युद्ध लड़ रहे हैं। भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के सामने इनका प्रदर्शन जारी है। इस धरने प्रदर्शन को करीब 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंची है। महिला और पुरुष अभ्यर्थी अब तक भूख हड़ताल, आमरण अनशन तो कर ही चुके हैं। अब इन प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने अगस्त क्रांति का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत पुरुष अभ्यर्थियों ने सामूहिक रूप से मुंडन करवा कर जंग का बिगुल फूंक दिया है। एक साल से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। किसके खिलाफ? शिवराज सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये पद वृद्धि नहीं कर रही है। और हम लोगों की मांगे 51,000 की, तो हमें यही बोलना है शिवराज सिंह मामा जी से कि भाई, हम लोगों की ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि जो हमारी संस्कृति में नहीं है। मुंडन संस्कार जब कोई ख़त्म हो जाता है परिवार का, तब किया जाता है, लेकिन इस तानाशाही गवर्नमेंट की वजह से आज हम लोग इतने ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं कि आज मुंडन संस्कार के 10 चयनित महिला अभ्यर्थियों ने अपनी चोटियां कटवा कर साफ ऐलान कर दिया है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो भी सिर मुंडवाने पर मजबूर होंगी। हार चुके हैं, थक हार चुके हैं। हम काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब थक हार के हमको ये भी करना पड़ रहा है। अभी कुछ महिलाएं भी कह रही थी वो भी मुंडन करवाने को तैयार है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोगों को भी करवाना पड़ेगा। बस हम सरकार से इतना अनुरोध करना चाहते हैं कि 51,000 पदों पर भर्ती हो और हमारी मांगों को वो पूरा करे, ज्यादा से ज्यादा पदों पर वो भर्ती करे। अगर वो 51,000 पे नहीं कर सकती तो ज्यादा से ज्यादा पदों पे भर्ती करे और हम लोगों की मांगों को पूरा करे। और सारी लिस्ट विस्ट जो सारी गलत उनमें सुधार करके लिस्ट निकाली जाए, एक अतिरिक्त लिस्ट करे और 51,000 पदों पे भर्ती करे। इन प्रदर्शनकारियों का दर्द ये भी है कि कोई भी इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब प्रदेश तक की टीम इनके पास पहुंची तो इनका दर्द छलक उठा। हमारी सिर्फ यही मांग है कि आप पद वृद्धि करिए, और जो हम विरोध कर रहे हैं कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो बोलिए। कोई रिस्पांस भी नहीं आता। आज भी हम लोगों ने DPI में दिया ज्ञापन, तो वो मैडम बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी ऊपर से आदेश आएगा हम उसी को फॉलो करेंगे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शिवराज सरकार प्राथमिक शिक्षक के 51,000 पदों पर भर्ती कर इनके साथ न्याय करे। बीजेपी की साइड से कोई प्रतिनिधि आया है ना, किसी ने किसी टाइप का कोई संज्ञान लिया है, तो हम यही बोलना चाह रहे हैं आखिर हम लोग ऐसे सड़कों पर कब तक बैठेंगे। हम मामा जी से यही पूछना चाहते हैं कि आखिर हम लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। खुले आसमान के नीचे गर्मी और बारिश का सितम झेलने के बावजूद भी इन प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद हैं। इनका साफ कहना है कि आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। आगे प्रदर्शन में बूट पॉलिश, चाय पकौड़े को बेचना, अर्धनग्न प्रदर्शन, कैंडल मार्च, अर्थी यात्रा और ध्वजारोहण जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। हमारा आगे भी प्रदर्शन होगा। हम 15 तारीख तक प्रदर्शन करने तैयार हैं और हमारा प्रदर्शन बढ़ता ही जाएगा। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। हम सरकार से बस हाथ जोड़ के विनती करते हैं, वो हमारी मांगों को पूरा करे। अब आगे जाके हालात बहुत खराब होने वाले हैं, हम भी निराश हो चुके हैं। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2020 में पूर्व में दिए गए पदों के अतिरिक्त शेष पदों पर रोस्टर जारी करके 51,000 पदों की मांग को पूरा किया जाए। इसके साथ ही पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले प्राथमिक शिक्षकों के पदों को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरा जाए। इन प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक उनका प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारा वादा है कि हम आपसे जुड़ी हुई हर खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे।